साथ अपना फोन भी फूट चुका है, थोड़ा सा डिस्प्ले फिर से थोड़ा सा। आज का विश्वकर्मा पूजा को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कोई लोग कह रहे हैं कि कल मनाएंगे, कोई लोग कह रहे हैं कि आज मनाएंगे। करो करो डांस करो, गाना बज रहा है ना यहाँ पर, सबको बजा रहे तो उसमें डांस करे। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए व्लॉग में। एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ एकदम मस्त हरियाली के पास और नदी के पास। मेरे पीछे देखोगे तो आपको नदी देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं कुछ काम से लिए आया था जो कि आपको आगे वीडियो में देखने से पता चलते रहेगा। एंड आज है 17 आज है 17 और आज है विश्वकर्मा पूजा। वैसे आज ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कुछ लोगों में कि आज विश्वकर्मा पूजा या कल, बट कुछ लोग आज कर रहे हैं, शायद कुछ लोग कल करेंगे, फिर वो देखा जाएगा कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एंड आज के व्लॉग में आप देखने वाले हैं हमारे एक्टिविटीज, आज हम विश्वकर्मा पूजा में क्या क्या करेंगे वो आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एंड होपफुली जितना एक्साइटेड हूँ उतना ही मज़ेदार आज का ये पूजा भी हो। तो देखते हैं वो रात तक पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं, वो सारा वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे और चैनल पर नए हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा। ए, ए, इधर आओ। कैसे करता है इधर आओ, सब कुछ सिखा दो ब्रश करने के लिए, इधर आओ। हाँ कैसे ब्रश करता है सिखा दो। हाँ ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ब्रश करता है। गंदा साफ हो जाए, गंदा साफ हो जाएगा। आज का विश्वकर्मा पूजा को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कोई लोग कह रहे हैं कि कल मनाएंगे, कोई लोग कह रहे हैं कि आज मनाएंगे। तो कुछ लोग आज बना रहे हैं, वो अपना तैयारी पूरा ऑलमोस्ट कर ही चुका है, गैरेज वगैरह में जितने भी है ना यहाँ पर 4 से 5 है, सारे के सारे आज ही सेलिब्रेट करेंगे दुर्गा विश्वकर्मा पूजा। एंड जो भी हम तो मजे लेंगे अपना। एंड फिलहाल अभी मार्केट इतना खुला नहीं है और यहाँ पर एक अभी जस्ट बना हुआ है, वो भी अभी प्रिपरेशन चल रहा है। तो अपना दुकान खोल लेता हूँ जल्दी से और उसके बाद देखते हैं कि कुछ सेलिंग हो जाए तो अच्छा है। देखते देखते अभी 10:30 हो चुका है और मुझे अभी जाना स्कूटी धोने के लिए, और पूरा प्लानिंग करके रखा था कि जाऊंगा, पर दुकान में कस्टमर आते रहेगा उनको सामान देते देते 10:30 हो गया। तो अभी ब्रेकफास्ट कर ही लेता हूँ और ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना जाके बसंती को अच्छे से धोऊंगा और हो सके तो नदी में नहा के भी आऊँगा, पर अभी भी थोड़ा बहुत तबीयत खराब लग रहा है, फिर देखा जाएगा। पर स्कूटी को धोना है तो जल्दी जल्दी करता नहीं, पता चला फिर कस्टमर आया फिर कौन है पहले ये बता। नहीं आम तो दिख रहा है, ये कौन दिख रहा है? हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो आओ, हेलो 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 बोलो, आओ आओ। ये देखो तुम दिखाई देगा, तेरा जल्दी आओ जल्दी माँ नहीं आएगा। सिंपल सा ब्रेकफास्ट अपना, भिंडी का फ्राई और फेवरेट रोटी और अपना पानी, बस अभी चाय आना बाकी है। अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद अपना इस बसंती को लेकर जाएंगे मस्त है नहाने नहलाने के लिए। जाए नदी, नदी जाए पड़ी, कपड़े पहन रहा है, पहन लो जल्दी पहन लो, हम जाए ना पड़ी। और ठीक है तो कपड़ा पहनो, अभी थोड़ा सा छाव मिल रहा है, होपफुली कि छाव रहे तो अच्छा है, नहीं से तो गर्म नदी में जाके तो गर्म बहुत ज़्यादा होगा, तब ज़्यादा बातचीत नहीं करते चलते डायरेक्ट नदी के पास। मैं सोचा था कि बस मैं ही होगा जो नदी में इतने समय में गाड़ी धोने के लिए आया हूँ, बट यहाँ पर आके देखा तो भाई कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, देखो सारे के सारे गाड़ी वॉश कर रहे हैं, और एक ये और एक वहाँ पर, दो ही जगह है जहाँ पर स्कूटी घुसा सकते हैं और कई जगह नहीं है। अब पता नहीं अब कैसे होगा, थोड़ा वेट कर लेता हूँ। गर्म बहुत ज़्यादा लग रहा है, मौसम भी कितना अच्छा है, एकदम क्लीन, बस एक ही चीज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, वो है पूरा गर्मी, और स्कूटी को ज़्यादा अंदर लेके नहीं जाऊंगा, जैसे पिछली बार जब लेके गया था उसके बाद इसको अगर इसमें टच करा दिया ना तो पता नहीं पानी कहाँ से घुसता है, स्कूटी स्टार्ट नहीं होता है, बहुत समय लगता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा कम पानी में रखा हूँ। सभी लोग गाड़ी भी धो लिया ऑलमोस्ट, अरे बिहारी गाड़ी धो लिया, चलो भाई आप अपना भी धो लेता हूँ जल्दी से। अपनी स्कूटी एकदम मस्त से धुल गई, सॉरी अपनी बसंती एकदम मस्त से धुल चुकी है, एंड स्टिल थोड़ा सा इसका कलर डिसकलर लग रहा है क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है स्कूटी, बट अभी तक मेरा साथ दे रहा था, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। एंड अभी इसमें शायद पॉलिश वॉलिश मारने से अच्छा भी दिखेगा, बट कोई नहीं, इसको मैंने 2 पैकेट शैम्पू से इसको मस्त से नहलाया है, एकदम मस्त से, और मैं सोचा था नहाऊंगा बट क्या ना कि इतना ज़्यादा गर्मी, यहाँ से घर जाते जाते पूरा हालत बिगड़ गया, इसलिए मैं नहीं नहाया। अभी जाके घर पर मस्त से नहाऊंगा, कपड़ा वगैरह चेंज करूंगा, एंड गर्म तो इतना ज़्यादा है तो हाफ ड्रेस ही कुछ रहेगा। खैर अभी चलते हैं जल्दी से घर क्योंकि काफ़ी समय हमने यहाँ पर बिताया, नदी में काफ़ी लोग भी आए थे, एक से एक मतलब
मेरे जब तक धो रहा था ना उसमें 3 से 4 गाड़ी और एक्स्ट्रा जुड़ चुके थे, तो सारे लोग गाड़ी वगैरह ही वाश करने निकले और कई सारे तो उधर उधर कर रहे होंगे। वाह, इधर में भी देखो ढेके साग वगैरह है, कल जो मेरे अपने वीडियो में डाला था वहाँ जो तोड़ के रखा था वो सब ही है। खैर आप अपना स्कूटी तो धुल चुके हैं और स्कूटी भी स्टार्ट हुए, आज ये धोखा नहीं देने सब, कई बार ऐसा धोखा दे चुके जब भी इसको धोता हूँ तो साले स्टार्ट नहीं होती थी, बट आज मस्त स्टार्ट हो चुके और साउंड भी कितना प्यारा आ रहा है। तो अब चलते हैं अपने घर की तरफ। ये वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला था कि आज मैं क्या क्या मस्ती करो कैसे करो वो दिखाऊंगा, बट देखो अपना काम ही काम। और अभी का सबसे पहला प्रसादी मिल चुका है मुझे और वैसे मैं नहाने जा रहा था बट नहाया नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है ना, अभी नहा लेता फिर उसके बाद शाम तक तो पूरा शरीर ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं सोचा हूँ कि शाम के 5 बजे करीब नहाऊंगा तब मस्त ठंडा भी रहेगा और मज़े से घूमेंगे भी। तो अभी जितना भी सामान निकाला उसको मिला देता हूँ। प्रसाद दिखाई ले जा लिखा जा लिखा बना रहा तो ठीक है, पूरा घुमा के लेके आ गया ना वहाँ पर विश्वकर्मा पूजा रहे वहाँ पर। परी घूम के कैसा लगा? हम खरीद है, कैसा लगा परी घूम के? हाँ खरीद के दिया ना, खाई परी ये खाओ नारियल, नारियल नारियल खाई, हाँ नारियल खाई। फिर हम क्या खाएगा? हम क्या खाएगा? खाला खाए और हम आप पड़ी ये लेकर आया है, केक खरीद के दिया, प्रसादी लेके आया, सब हम लोग खाली हाथ रखे। हमको दो पड़ी, हम क्या खाएगा? केक दो, हमको केक देंगे, वाह फाड़ देगा। तू खाएगा पड़ी का मेहंदी दिखा, मेहंदी काट दो, मेहंदी देखो मेहंदी, वाह कौन लगा दिया इतना सुंदर से? हाँ करो करो डांस करो, गाना बज रहा है ना यहाँ पर, सबको बजा रहे थे उसमें डांस कर रहे, एक बार डांस करके दिखा, माथा में हाथ रख के डांस करो, डांस करो, हाँ हाँ माथा में रख के डांस करो, बस हो जाएगा परी, आप खा लो क्या खा लो, बहुत डांस कर लिया क्या खा लो, बोलो थैंक यू मामा, बोलो थैंक यू। अभी नहा धो के तो मस्त रेडी हो चुका हूँ, बट ना यहाँ पर वीडियो बनाने को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है, इतना जोर जोर से गाना बजा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। शाम के समय थोड़ा सा क्राउड दिखा बट आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि अपने दुकान में भी वैसे ही क्राउड नहीं था, बट फिर भी कस्टमर आ रहे, जिसको पसंद आ रहा है ले रहे, जिसको नहीं पसंद आ रहा है वैसे जा रहे हैं, एंड देखते हैं अभी क्या होगा, कहाँ कहाँ आपको दिखा पाऊँगा, बट डाउट ही लग रहा है कॉपीराइट की वजह से साथ ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा, बट कोशिश करूँगा। अपने घर पर ना डिनर इतना जल्दी बन चुका है ना, यकीन नहीं रहा मुझे, अभी जस्ट दुकान बंद करके आया हूँ घर पे और देखा कि पूरा मस्त है डिनर बन चुका है, तो अभी जल्दी से मैं भी डिनर करता और उसके बाद थोड़ा सा बाहर जाएंगे घूमने के लिए। और अपना मोबाइल फिर से फूट चुका है, पता नहीं क्या हो रहा, फोन कस्टमर को देखने का चक्कर में इतना ज़्यादा कस्टमर हो गया था जिसको इधर से उधर से करते मोबाइल का स्क्रीन गिर के फूट गया फिर से। आज का डिनर देखो यहाँ पर है आलू फ्राई, लिट्टी, सेवई और अपना फेवरेट रोटी, तो यही है आज का डिनर, जल्दी से कर लेते हैं। परी यहाँ पर पूरा मज़े से सोई है और यहाँ पर अपना बुलबुल, अभी इन दोनों को हटाएंगे, अपना बिस्तर रेडी करेंगे और मैं भी सोने के लिए जाऊँगा, आज का दिन बोलने से तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। नहीं निकालो परी, नहीं निकालो, उड़ गया अचानक से, नहीं निकालो परी, आँख बंद करो, अब परी हाँ आँख बंद करो, नहीं निकालो, नहीं नहीं निकालो, आँख बंद करो, हाँ आवाज़ सुन के उड़ गया, मेरा आवाज़ भी इतना भयंकर लगता है। आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है और आज का दिन देखा जाए तो इतना अच्छा मेरे लिए नहीं था, थोड़ा सा बिजी ले रहा क्योंकि दुकान में बैठा और शाम को सोचा कि चलो आप थोड़ा सा घूमे, बट इतना ज़्यादा गाना बज रहा था ना तो डर ही लग रहा था कि वीडियो डालूं तो कॉपीराइट होगी, इसलिए मैंने ज़्यादा भी शूट नहीं किया और सोच रहा हूँ कि अभी रुके बट नहीं रुका गाना सब, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। और साथ ही साथ अपना फ़ोन भी फूट चुका है, थोड़ा सा डिस्प्ले फिर से थोड़ा सा बूढ़ा लग रहा है, कुछ दिन हुआ ही लगाया हुआ, बट
कोई नहीं, किसी के लिए कभी नहीं, कभी दिन अच्छा होता है कभी बुरा होता है, तो आज थोड़ा सा मेरा बुरा अच्छा दोनों रहा। बट एक चीज़ का अभी अफसोस लगा, 1600 के लिया था, अपने डिस्प्ले बनाया था ख़राब हो गया। खैर दोस्तों आज का व्लॉग में बस इतना ही, व्लॉग थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, आपको कैसा लगा वो कमेंट करके बताएगा। बट कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ जो कि इंटरेस्टिंग पक्का होने वाला है। गुड नाइट।